गुरु की साजी हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सो अज असी बजरंग बली हनुमान दी कथा सरवण करांगे। ये जो कथा है मैं आप जी नूं पहलां ही दस देवां, दसम ग्रंथ साहिब जी विच्चों है। कई बार साडे मनां विच शंका आ जांदा कि ये किस तरह कथा कह रहे हन। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उन्हां विच भी कुछ देवत्यां दा जिक्र जिथे आउंदा, दसम ग्रंथ विच 24 अवतारां दी कथा महाराज ने लिखी है। जुगां जुगां विच जिथे अवतार धारण होए आ उत्थे देवते भी होए आ। देवत्यां दे विच्चों ये हनुमान एक देवता है। गुरु प्यारिओ, हिंदू शब्द तां बाद विच प्रचलित होया, सब तों पहलां तां जिहड़ा शब्द सीगा वह सनातन धर्म सीगा। बाद विच आया हिंदूइज़म दा शब्द, हिंदू धर्म बाद विच प्रगट होया। पहला सनातनी आख्या जांदा सीगा, जिन्ने पुराने ग्रंथ उन्हां विच सनातन धर्म कहा जांदा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी सानू कहिंदे ने देखो कि सारे धर्मां दा सत्कार करना चाहीदा। हुण गुरु साहिब जी ने यह जिहड़ी कथा इहदे विच दस्या वी हनुमान दे विच जोर किन्ना सीगा, उहदी ताकत बारे दस्या होया वी श्री रामचंद्र जी जिहड़े सीगे उन्होंने हनुमान की जिहड़ी ताकत आ उहदे बल द्वारा भाव की बड़ी वड्डी फतेह पाई आ। बहुत ज़्यादा जोर सीगा, भावें आप अवतार सीगे पर देवते ने उन्हां दी मदद कीती आ लंका फतेह करन विच। तां आओ हुण आपां देर ना करिए, ये जो है बजरंग बली की कथा पवन पुत्र हनुमान ये आपां सरवण करिए। ते शंका रहत होके सुनियो, ज़्यादा समझ आऊगी। ये पहले मन दे विच शंका रख लिया, ज्ञानी जी ये की कह दिता तुसी हनुमान बारे, ये कातों बोली जाने आ, फिर नहीं समझ आनी। तो आओ आपां हुण महाराज जी ने बड़े सुंदर छांदां दे विच ना ये 24 अवतारां दी कथा लिखी, आओ उहदे विचों हनुमान दा जिक्र आउंदा सरवण करिए जी। गीता मालती छंद, पछराज रावण मार कै, रगराज सीतै लै गयो, नब और खोर निहार कै, सो जटाऊ सी संदेस दयो। गुरु प्यारिओ, पंछी जिहड़ा पंछियां दा राजा जटाऊ, उहनू मार के रावण सीता नू लै के चला गया। जदों श्री राम जी सीता जी नू लभदे लभदे जटाऊ पंछी कोल आए, वह बेचारा सहक रहा सीगा, उदों सहक ही जांदा सीगा, आखरी साहां ते सी। राम जी ने जटाऊ नू वेख के कहा, हे रघु राजा, ते रावण मैनू मार के सीता माता जी नू लै गया है। फिर जटाऊ ने आकाश वल वेख के सीता जी दे चले जाण दा राम जी नू मरन तों पहलां सुनेहा दिता। फिर बलवान राम जी जाण गया भी निश्चय ही सीता नू रावण ने ही चुराया है। उत्थों जटाऊ दा अंतम संस्कार कीता श्री रामचंद्र जी ने, ये मर्यादा पुरशोत्तम ने। ते रास्ते विच उन्हां नू हनुमान जी मिल पे, हनवंत मार्ग सो मिले, तब मित्रता तां सो करी। फिर राम जी दी उहदे नाल ना मित्रता हो गई। उत्थे ये हनुमान जिहड़े सीगे ये श्री राम जी दा बहुत सत्कार करदे सीगे। हनुमान ने ही सुग्रीव नू लै के ना श्री राम जी दे चरणां ते पा दिता। फिर उन्हां ने कठियां ने बैठ के सलाह मशवरा कीता। राम जी ने आख्या, सुग्रीव तैनू मैं तेरा राज दुबारा दवाऊंगा। उन्होंने फिर बाली नू मारता, ये आप जी जानते हो बाली नू लौके मारिया सीगा, कपलराज बाली नू मार दिता, सुग्रीव नू सहायक बना लिया, लंका वल तुर गए। इत्थों अगे फिर गुरु साहब जी हनुमान नू लंका भेजना, ये प्रसंग 9वें अध्याय विच दसम ग्रंथ दे लिखदे आ। लै मुद्र का लख बार दै जहां सुहती तै जात पे। सुग्रीव ने अपनी फौज नू माता सीता जी दी खोज विच चारे दिशावां च भेजिया, दल वंड दिता। ते हनुमान जी ने की कीता, आख्या मैं लंका जावांगा। उन्होंने हनुमान नू लंका भेजिया श्री राम जी ने। हनुमान ने आख्या, माता सीता जी नू यकीन दवाउणा पऊगा मैं श्री रामचंद्र जी कोल आया। उन्होंने निशानी विखाउण लई श्री राम जी की मुंदरी ली, तो समुंदर लंघ के कलगीधर जी कहिंदे, पुरजार अश कुमार कै बनटार कै फिर आयो। समुंदर सारा पार करके ना एडे बली सीगे, जिथे सीता रहिंदी सीगी उत्थे चले गए माता सीता कोल। लंका शहर नूं
हनुमान ने साड़ दिता। कलगीधर जी कहिंदे फिर उदों बाद की कीता, रावण का एक पुत्र सीगा अश कुमार, बड़ा बली सीगा, उच बड़ा जोर सीगा, क्योंकि रावण के जिन्ने पुत्र सीगे ना इन्हां च जोर बहुत ज़्यादा सीगा, जोर ही नहीं सी, करामाती भी सीगे सारे, ये कला भी सीगी इन्हां कोले। पर पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली ने रावण के पुत्र नूं बड़ी आसानी नाल कलगीधर जी कहिंदे मारता, ते अशोक बाग नूं पुट के तबाह करता। कृत चार जो अमरार को सब राम तीर्थ जितायो। ये कुछ इन्ना कुछ करके माता सीता जी नूं मिल के श्री राम जी कोल मुड़ के आ गए, ते दस्या उन्होंने सारा कुछ। जिमें जिमें कलगीधर जी कहिंदे लंका विच होया सीगा, हनुमान जी ने लंका जिहड़ी आ साड़ दित्ती, स्वाह कर दित्ती। उस तों बाद श्री राम जी नूं आके अशोक बाटका कि मैं अश कुमार नूं मार आया, कली कली गल दा हाल सुना दिता। आके फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव ने अपनी वह बांदरां दी सेना जिहड़ी सी तैयार कीती आ, जामवंत सुखैन नील हनवंत अंगद केसरी, महाराज सारिआं दे नाम लैंदे आ। कहिंदे सेना चली जिहदे विच वड्डे वड्डे सूरमे, रामचंद्र जी, सुग्रीव, लक्ष्मण, जामवंत, सुखैन, नील, हनुमान, अंगद केसरी आदि सारे सेनापति सीगे, ते बांदरां दी सेना लै के ना ते बदलां दी झड़ी वांगू चढ़े आउंदे आ। समुंदरों पार करके जदों लंका टापू विच पहुँच गए, जिहड़े दैंतां दे दूत सीगे ओह भज भज के कलगीधर जी कहिंदे रावण कोल चले गए, ते जाके कहण लगे लंका नरेश जी जंग दी तैयारी करो, आपदे लंका दे किले नूं संभाल लो, रामचंद्र जी दल समेत आ रहे आ, उन्हां दे नाल इक वड्डा योधा हनुमान जिन्हें तुहाडी अशोक बाटका नूं नाश कीता, होर वड्डे बली बली उत्थे योधे आ बहुत ज़्यादा। रावण नूं जदों गल पता लगी आ, रावण ने उन्हां दी बेनती सुन के धूमर अश ते जांब माल नूं बुलाया। ये दो वड्डे सूरमे से, इन्हों भेजिया भी रोको, दो सूरमे कहिंदा मेरे बहुत आ रामचंद्र नूं रोकण लई, है की आ। वह फौज कट्ठी करके जिथे श्री राम जी उतरे हुए सीगे उत्थे आए दोवें। हनुमान नूं बहुत गुस्सा आ गया, रोस कै हनवंत थां पर रोप पाव परा हरियंग, जूझ भूम गिरो बली सुर लोक मांझ बिहारियंग। ते कलगीधर जी कहिंदे गुस्सा खा के हनुमान ने उसे थां ते पैर गड्ड के उन्हां नूं मार दिता, बहुत सारिआं नूं मारता। सूरमे जिहड़े वड्डे वड्डे कहिंदे कहाउंदे धरती ते डिग पे, देव लोक विच पहुँच गए। जामवाल कुछ चिर खड़ा रहा, हनुमान ने फिर उन्हूं मारता, एडा वड्डा बली बजरंग बली ने मारता। फौज ने भज के आपदी जान बचाई, लंका च चली गई, रावण नूं जाके सुनेहा दिता, कहिंदे इह है कौन एडा बली, धूमर अश ते जामवाल दोवां नूं आसानी नाल मारता, हनुमान आ इह जो प्रभु जी तुहाडे दिल विच सलाह आउंदी आ। डरदी फौज कहिंदी लंका नरेशो आ, हुण करो आप जी। रावण बड़ा हैरान होया वी एडे वड्डे योधिआं नूं इन्नी छेती मारता। उह कहिंदा कोई गल नहीं, हुण आपां होर योधिआं नूं भेजांगे। पेख तीर अकंप नै दल संग दैसो पठै दयो। उन्हें रावण ने आपदे कोल अंकपन नाम दे योधे नूं बुलाया, फौज दित्ती आ, उहनूं जंग करन लई भेजिआ। बाजे वजे आ, लंकापुरी विच इक सार वाजिआं दी सद होई आ, सारे बड़ा गुस्सा धार के श्री रामचंद्र जी की फौज ते हनुमान देवते नूं मारन लई आए आ। तलवारां झलमिल करदियां, उच्ची आवाज ना वाजे वजदे आ, खड़खड़ दी आवाज हुंदी आ, तलवारां दी चमक पैंदी आ। मुनियां दे ध्यान छुट गए, कई सूरमे मारे गए आ, कई जंग विच पूरे जोर ना रुझे हुए आ। हुण कलगीधर महाराज कहिंदे ने इत अंगद युवराज दुतिया दसबीर अकंपन, इधरों किशकिंदा राज दा वली अंगद ते दूजे पासेयों जिहड़ा रावण है उहदे वल्लों अकंपन सूरमा, इन्हां विच जिहड़ी जंग होई आ, जंग दे विच सैरी सिर दिंदी आ, कट्टे पए आ कईआं दे, किसे दी लत्त तड़फदी आ, किसी की धड़ जिहड़ी अड पई आ, भक भक दी आवाज आउंदी कईआं दे जख्मां विच्चों। इदां गुरसिख प्यारिओ की होया, ते जंग दे विच ओह बांदर अंगद दी जित होई आ,
रावण दा पुत्र दैंत मारिया गया, अकंपन नूं भी मार दिता, भजा दिता सारियां नूं। उस तों बाद श्री रामचंद्र जी ने बाली दा पुत्र अंगद उन्हां नूं अपने कोल बुलाया ते दूत बना के आख्या लंका जाओ ते रावण नूं जाके थोड़ा साडा सुनेहा दो कि ओ माता सीता जी नूं वापस कर दवे। श्री राम जी दे चरणा ते मत्था टेक के अंगद बानर जिहड़ा सीगा ओ चला गया उत्थे जिथे रावण सजा होया, उहदी कचहरी लगी हुई है, सभा सजी हुई है। अंगद ने जाके रावण नूं कहा रावण सीता राम जी नूं मोड़ दे, पर रावण ने कहा सीता दा उह परछावां भी नहीं देख सकेगा। अंगद ने कहा तेरी लंका खोली जावेगी। रावण ने कहा यह लंका की है, भावें इदां दियां लखां लंका जित लो तुसीं पर सीता तां भी नहीं मिलेगी। अंगद ने कहा क्रोध रूप जहर नूं छड्ड दे, पर रावण ने उत्तर दिता वेखूंगा कैसा युद्ध तू मचाउणा। राम दे समेत सारी बांदरां दी फौज, तुसीं सारे हिरन वर्गे हो, मैं शेर बन के तुहानूं खा जावांगा। अंगद ने कहा ऐ मूड मत, हंकार ना कर, ध्यान दे के सुन, ये हंकार ने बहुत वड्डे वड्डे घर गवा दिते। रावण ने कहा मैं वड्डे वड्डे हंकारी बंदे बस च कीते आ, ये दो कंगले जे बंदे, ये राम ते लक्ष्मण मेरे अगे किस गिणती दे विच आ। ये दसम ग्रंथ विच महाराज जी लिखते आ जिन कर सो गर्भ सुन, मूड मत गर्भ गवाए कनेर कर, बस करे सर्ब कर गर्भ हमें किन मह द्वै दीन नर। ये गरीब बड़े जे मैनू की कर लैणगे, बनवासी ये जंगल च रहण वाले की मेरा की बिगाड़ लैणगे दोने जाने, इस तरह सोचिया। अगन पाक कै करे पवन मुर बार बहार, रावण बाच अंगद सो। अगे फिर थोड़ी जी इन्हां दी गलबात भी दस दे ना कलगीधर जी, अंगद नाल की गल हुई आ। रावण कहण लगा देखो जिहड़ा अगन देवता वह मेरा भोजन तैयार करदा, पौण देवता मेरे दरवाजे ते झाड़ू फेरदा, चंद्रमा ने अपने हाथ विच चौर फड़ के ते सूरज ने अपने हाथां विच छत्र फड़ के मेरे सिर ते चलाया, लक्ष्मी मैनू शराब पिउंदी आ, मद लक्ष्मी प्यावंत बेदमुख ब्रह्म उचारत, ब्रह्मा मेरे सामने खड़ा होके वेद पढ़दा, वर्ण देवता मेरे घरे पानी भरदा नित, देवते सारे मैनू नमस्कारां करदे आ, वड्डे वड्डे बलवान दैंत मैनू अपना कहिंदे आ, इस करके जिहड़े कबीर वर्गे जाच आ मैनू टैक्स दिंदे आ, कर दिंदे आ। भाव निज कहत सो बलदानब प्रबल देत तनद जश मोहे कर। ऐसे रावण नूं की ओ दो जिहड़े बनवासी आ की मेरा बिगाड़ लैणगे। तां इत्थे रावण ने आपदा पूरा जोर दिखाया गुरु प्यारिओ भी मेरे विच इन्नी ताकत आ, उहने आपदी ताकत शब्दां राहीं कलगीधर जी कहिंदे प्रगट कीती रावण ने। हुण अंगद कहण लगा कि देखो तुसीं गल्लां बहुत वड्डियां करतीआं, श्री रामचंद्र नूं हराउण दी गल तां दूर रही, मेरा पैर ही इत्थे तुहाडी सभा च कोई होवे सूरमा पुट सके तां मैं मन लूं तुसीं रामचंद्र जी नूं जित लोंगे, तुसीं जे पैर ना पुटिआ गया कदे भी जित नहीं सकोगे। ये गल्लां सुन के रावण ने आपदे सूरमियां नूं कलगीधर महाराज कहिंदे अंगद दा पैर पुट्टण दा हुक्म दिता। सारे दैंत अपना अपना जोर लाउंदे लाउंदे थक गए, पर अंगद दा पैर किसे पासों भी ना पुट्टिआ गया। दैंतां दी फौज थक के टुट के दिल नाल बेहोश हो के धरती ते डिग पई आ। धुएं जे रंगां वाला बाली दा पुत्तर अंगद उस रावण दे भराता ਭਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਦੰਡ ਫਿਰ ਵਰਤੀ ਦਾ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਭੇਤ ਦੰਡ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
अंगद ने देखा भी गल्लां दे नाल नहीं मानते, उन्हें रावण की सभा च आपका पैर जमाया, आख्या मेरा पैर पुट लो मैं जाणूंगा तुसी रामचंद्र जी नूं जित लोगे। एक भी कोई उहदा पैर नहीं पुट सकिया, तां फिर वह मालक नूं जितने की आस किवें रख सकदे हो। फिर उन्हें दूजा तरीका अपनाया, पर अंत नूं ना यह कहा जाता भी महाराज कहिंदे भी रावण आप उठिया सीगा पैर पुटण लई। अंगद ने समझ लिया भी ये मेरा पैर पुट दूगा, मेरी प्रतिज्ञा नहीं रहूगी। अंगद नूं पता सी रावण बली आ, इसे कई करके उन्हें आपदा पैर पिछे हटा के कहा मेरे चरणा नूं हाथ ना लाओ, जे माफ़ी चाहते हो श्री रामचंद्र जी दे चरणा ते जाके मत्था टेको, लै चलियो भीषण भरा ते बल पुत्र धूसर वरन, पट हटक विकट ते नास के चल आयो जित राम रन। देखो किन्ना दिमाग सीगा अंगद दा, दूत भी कोई कोई बन सकदा, जे अंगद विच इन्ना जोर आ हनुमान विच किन्ना होगा तुसी आप ही देखो। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे, फिर अंगद ने कहा भी श्री राम जी दे चरणी पै जाओ, तैनू माफ़ी दे सकदे आ। यह सुन के रावण शर्मिंदा होकर आपदी जगह ते आके बैठ गया। फिर कलगीधर जी कहिंदे अंगद दा दिमाग देखो किन्ना सीगा, उन्हें साम दाम भेत सारियां चीज़ां वरतियां। उन्हें कहा दंड तो पहला इन्हां दे घरे फुट पईए, फुट पई का फायदा लईए। उन्होंने भभीखण नूं रावण नालों पाड़ के श्री राम जी दे कोल लियांदा। यह भभीखण ही सीगा जिन्हें रावण दे बारे दस्या सी उहदा वध किवें कीता जाऊगा। घर दा भेती लंका ढाहे कहावतां बन गईआं, घर पाड़ के दह सिर मारिया घर दे भेदी लंका ढाही, ये कहावतां बन गईआं सीगीआं। इवें अंगद ने आपदा वकीली वाला काम पूरा किया, पूरा वकील सीगा ते उहदा दिमाग बहुत ज़्यादा सीगा। इधरों महाराज दसवें पातशाह जी कहिंदे हनुमान जी ने देखो प्यारियो रावण दा पुत्र आए मारता जिवें बंदा पैरां थले दे के कीड़ी मार दे, एडा बली योधा एडा बलवान बजरंग बली इहनूं कहा जांदा पवन पुत्र हनुमान। जिवें आपां सिख जिहड़े हाँ सिंघ जिहड़े हाँ महाराज नूं प्यार करदे हाँ ना, कलगीधर जी नूं आपां सारे बहुत प्यार करदे हाँ, इवें जिहड़े हनुमान जी सीगे ना उन्हां नूं इक वारी गल पता लगी, कहिंदे जिहड़े माता सीता जी हन उह अपने मांग दे विच संदूर भरदे आ। पुछया क्यों, माता जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की लम्मी उम्र होवे, ये मैं तां करदी हाँ। तो जिहड़ा हनुमान सीगा उन्हें आपदे सारे पिंडे ते सारे शरीर ते हनुमान ने ना ते संदूर ला लिया सीगा, तां लाया भी श्री रामचंद्र जी वास्ते, ये माता सीता जी सिर्फ अपनी मांग दे विच संदूर भरदे आ, ते मैं इस तरह करां भी सारे पिंडे ते ही आपदे ये ला लां संदूर। देखो ये प्यार दी गल आ, ये आपदे इष्ट नूं किन्ना प्यार करदे, श्री रामचंद्र जी नूं किन्ना प्यार करदे सी, ते सानूं सिक्ख्या लैनी चाहीदी आ भी जे भगत बनना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं प्यार करना, इवें भाई उहनां दे मरीद बन के इवें उहनां दे सिख बन के नीवें हो के इन्ना प्यार करना पऊगा। बहुत ही प्यार दी कहानी आ। हुण उधर फिर इस तरह अंगद दी कथा सुनो। अंगद जिहड़ा सीगा बड़े दिमाग दे नाल भभीखण जी नूं लै आया ते श्री रामचंद्र जी दे कोल लिया के आख्या कि ये रावण दे जिहड़े भराता हन उन्होंने पर इन्हां नूं लत्तां मार के ते बाहर कढ दिता है, इस करके ते श्री रामचंद्र जी कहिंदे तुसीं फिकर ना करो, लंका दे राजे हुण भभीखण ही बणनगे, वचन करते जे रावण हुण भी चरणा ते आ के माफ़ी मंग लवे ना तां मैं उहनूं अयोध्या दा राज दे दूंगा, पर आप सारी उम्र मैं जंगल विच ही रहूँगा, पर भभीखण नूं लंकेश जरूर बनावांगा। ये रामचंद्र जी दे बचन सीगे ते उन्होंने भभीखण दे मत्थे ते तिलक भी लाता सीगा। हुण उधरों जदों मंदोदरी जिहड़ी मंदोदरी महाराज कहिंदे मंदोदरी बाच, ये मंदोदरी कौन सीगी, ये रावण दी घरवाली सीगी पत्नी, वह गश खा के धरती ते डिग पई जदों उहनूं पता लग्गिया कि लंका दा राज दा तिलक उन्होंने श्री राम जी ने दे दिता है भभीखण नूं। फिर उन्हें कहा मंदोदरी ने सूरबीरा सजे घोर बाजे बजे बाज कंता सुने राम आए, कहन लगी है पति ए लंका नरेश जी सूरबीर आ चुके आ, डराने बाजे बज रहे आ, मैं सुनिया कि राम जी आए आ जिन्होंने बाली नूं मारिया समुंदर ते पुल बन्निया, इन्हां नाल तुसीं वैर क्यों कीता,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇ ਮਿਲੋ ਜਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਣ ਕੀ ਚਾਮ ਕੇ ਦਾਮ ਕਾਹੇ ਚਲਾਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਮੰਦੋਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮੰਦੋਦਰੀ ਬਾਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਰਕਾ ਜਾਤ ਹੀ ਘਾਤ ਕੀਨੀ ਜਿਹਨੇ ਔਰ ਸੁਭਾ ਮਾਰੀਚ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬਲੀ ਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੰਦੋਦਰੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਂਦਰਿੰਗ ਸ਼ੈ ਕਰੋ ਰਾਮ ਲੱਛੇ ਹਰੋ ਜੀਤ ਹੋਂ ਹੋੜ ਤੋਂ ਨਾਸ ਤੋਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਅੰਗਦ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਦੋਦਰੀ ਨੇ ਅਕਾਖੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਟ ਬਾਤੈ ਗੁਣੀ ਏਕ ਕਹਿ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕੋਪ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ ਪੁੱਤਰ ਪੱਠੈ। ਸਗੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਾਂਤ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜ ਕੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਨਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਤ, ਤਾਗੜ ਦੀ ਤੇਗ ਝਲ ਹਲੀ, ਗਾਗੜ ਦੀ ਯੋਧਾ ਗੱਲ ਗੱਜੇ, ਸਾਗੜ ਦੀ ਸੂਰ ਸਮੂਹੇ, ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਾਰਦ ਮੁੰਨ ਨੱਚਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਗੜ ਦੀ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ, ਆਗੜ ਦੀ ਆਰਣ ਰੰਗ ਰਚਿਓ, ਸੰਸਾਗੜ ਦੀ ਸੁਭਟ ਨੱਚੇ, ਸਮਰ ਫਾਗੜ ਦੀ ਫੁੰਕ ਫਣੀਅਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਛੰਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਤਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਵੰਤਕ ਵੀ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਕ ਸੁਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਵਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਗਏ ਮਰਦੇ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਖਿਲਦਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਮਾਇਣ। ਉਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀਗੇ,
उन्होंने एक बार हनुमान जी नूं सोने का हार दिता भी हनुमान लै ये मैं तेनूं हार दिनी आ। पर हनुमान जी ने उदों इनकार कर दिता। माता जी थोड़े गुस्से हो गए, मैं तेनूं प्रेम चा के दिनी आ ये हार, तू लै क्यों नहीं रहा। माता जी ने कहा यह हार बहुत कीमती है ते मैं तुहानूं हार दे रही हाँ, ये लै क्यों नहीं रहा, मैनूं वजह भी दस, कोई कारण दस। तो हनुमान ने कहा मेरे लिए सब तो कीमती श्री रामचंद्र ते तुसीं ही हो, ये सोना मेरे लिए कीमती नहीं। ये भी कहा जाता उन्होंने आपकी छाती चीर के दिखाई। आपां वैसे गल्लां कहने कि मेरे दिल विच मेरा गुरु वसदा है, कलगीधर जी साडे दिल च वसदे आ। इदां रामचंद्र ने फिर आपकी छाती चीर के दिखाई, उहदे विच ओह रामचंद्र ते माता सीता जी का जिहड़ा सीगा रूप वह माता जी ने तकिया भी वाकई तो किन्ना प्यार करते हैं। फिर उन्होंने गल समझ आई, फिर माता सीता जी नूं इन्हां ने कहा सीगा हनुमान ने भी मेरा असल जिहड़ा स्वरूप आ बड़ा छोटा वा, मैं बहुत तुश जिहा जीवां, निम्रता बहुत सी इन्हां च, पर जदों मेरे गुरु नूं कोई मेरे तक लोड़ पैंदी आ, मेरे मुरशद नूं श्री राम जी नूं, उदों मैं बहुत वड्डा रूप धारण कर लैंदा, उदों मैं हिमाला पर्वत भी चुक लैंदा। मेरा गुरु मैनूं कोई काम कवे मैं किसी भी हद तक जा सकदा, अपना आप निशावर कर सकदा श्री रामचंद्र जी लई तुहाडे लई। ये फिर इत्थे जिन प्रेम की ओह तिन ही प्रभ पाए। तो यह भाई हिंदू जिहड़े वीर ने, पहला तो नाम सनातनी सीगा हिंदू, तो हुण शुरू होया तो सनातन कहे तो कई बार पता नहीं लगता। सनातन धर्म सीगा इहदे विच देवते जड़े ने कुछ उन्होंने बड़ा प्रेम किया आपदे मनन वालों एस्ट नूं जिहनूं मानदे सी। आपां इहदे विचों सेध लै सकदे हां भी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किन्ना प्यार करदे हां, आपां कलगीधर जी नूं किन्ना प्यार करदे हां। ये चीज़ां आपां सिखणियां हुंदियां, सिख्या कितों भी जा सकदा। असी कई बार ना होर पासे लै जांदे गल, वी हनुमान दी गल कर दित्ती, हुण उदाहरणां कितों भी लईआं जा सकदियां, उदाहरण कितों भी दिती जा सकती आ, प्रमाण किसी ग्रंथ के भी दिते जा सकते आ। यह अकाल तख्त की मर्यादा भी आ, किसी भी महापुरख दे जड़े आ कथा दे विच प्रमाण उदाहरण दिती जा सकती आ, पर गुरबाणी की कथा जरूरी आ नाल, यह भी कहा गया। तो नाल आपां प्रमाण दे सकते हैं, ये दसम ग्रंथ विचों आ सारा कुछ। कई बार असी पढ़ते नहीं क्योंकि ग्रंथ बड़े कीमती आ, असी होर पासे दा पैसे खर्च दिंदे आ, पर आप ये ग्रंथ लिया के नहीं पढ़ने शुरू करते क्योंकि समा बहुत लग जाता भाई, समा बड़ा चाहिदा। ज्ञान की कमाई लई वक्खरे जतन करने पैंदे, वक्खरे जतन, एवें नहीं। तो अगे हनुमान जी की होर भी जिहड़ी कथा हुण तुसी सुनो, एडा बजरंग बली, इन्नी निम्रता भी अत दर्जे की, बली भी बहुत निम्रता भी बहुत। ये एक लक्ष्मण की भगती तो एक हनुमान जी की जिहड़ी भगती आ, ये बहुत ज़्यादा उच्च, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत उच्ची अवस्था वाली आ। जदों कंगन पछाणन लई लक्ष्मण नूं भी कहा गया सी ना, भी आ तुसी पछाणदे हो माता सीता जी का जदों हरण होया भी इत्थे डिगे पए ने, वह कंगन उतार के सुट दे गए। लक्ष्मण ने कहा सीगा कि वह मेरे माता समान आ, माँ समान आ, मैं उन्होंने चरणा तो कदे उपर देखिया ही नहीं, अज तक कदे भी नहीं देखिया, चरणा तो उपर देख ही नहीं सकिया, मैनू पता ही नहीं हैगा, सारिया औरतां मेरे लिए माँ समान ने, तो मैं इस तरह देख पर आईया चंगियाँ मावं धियाँ भैन जाने। भाई गुरदास जी के बचन आ जाते हैं ना गुरु प्यारे, इस तरह इवें फिर उन्हों की अवस्था सीगी। तो ये जेडे हनुमान जी आ ब्रह्मचारी सीगे। एक होर गल इत्थे प्रेम की भगती की, प्रेमा भगती की गल आ, आप कित भी जाइए ना, कोई नवी किताब भी लीए, आप कापी भी खरीदिए, वो तो पहला सब तो पहला अपना नाम लिखांगे, जो तुसीं ये जिहड़े देवते आ हनुमान इन्हां नूं कुछ लिखण लई कहोगे ना, जिवें उह पत्थर सीगे, पत्थरां ते लिखण लई एक गाथा भी आउंदी आ सनातन ग्रंथां दे विच ही कि इन्हां ने पत्थर दे उपर राम लिखिया तो अचनचेती पाणी च डिग पिया तो तर गया, उह बिना लिखे वाला सुट्टिया तो डुब गया। इन्हां ने कहा भी वाह ये तां क्या बात ही आ, भी पत्थर भी तरदे आ जिहड़े पत्थरां ते आपां राम दा नाम लिखीए। कितें भी हनुमान जी जाणगे आपदा नाम नहीं लिखणगे, राम जी का नाम लिखणगे, क्यों, उन्हां दा प्रेम ही इन्ना। इत्थों बहुत चीज़ां सीखण दी लोड़ हुंदी आ। अपना तो महाराज ने अपन नूं सिख सिंघ खालसे बनाया सीगा, साडा दिमाग ही इन्ना खुला चाहिए भी आपां किसी भी धर्म तो कुछ सीख सकते हैं, किसी तो भी सीख सकते हैं। असीं इन्ने शंकावादी हो गए, इन्ने शंकावादी हो गए, सानूं तां पता ही नहीं लग रहा भी
ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਥਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਠ ਸਮਾਨ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨ ਜਾਨ, ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਰ ਗਰੜ ਸਮਾਨ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗਰੜ ਵਰਗੇ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਛਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੇ ਸਰਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਊਂ, ਕਿਸਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨੇ ਧਿਆਊਂ। ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੀਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੱਸਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੀ।
ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।